हेलो नमस्कार, मैं नमर चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर, अतिथि शिक्षकों के मानदेय और नियुक्ति को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों का नाम अभी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ, जिसके शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पहुँचे अतिथि शिक्षक ज्ञापन सौंपा गया। भिंड में अतिथि शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, उनको 16 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है, ना ही उनका नाम अभी पोर्टल पर दर्ज किया गया, जिसको लेकर अतिथि शिक्षकों ने शिकायत दर्ज करवाई है। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार में जानकारी देने वाला हूँ, एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है और अतिथि शिक्षकों की क्या समस्या है, आप वीडियो में बने रहें। वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे ही अपडेट बांट लें। भिंड के बबेड़ी संकुल पर पदस्थ अतिथि शिक्षकों को पिछले 16 माह से वेतन न मिलने के कारण वे आक्रोशित हो उठे और वे एकत्रित होकर भिंड कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा को मीडिया के सामने सुनाया। हमारी समस्या ये है कि मैं पिछले सत्र से निरंतर कार्य कर रहा हूं, आज दिन तक मुझे कुछ भी मानदेय नहीं मिला है और 2023-24 सत्र की अभी पोर्टल पर लोग दर्ज नहीं हुए। बबेड़ी संकुल के अंतर्गत हम सभी लोग आते हैं, जिसमें हम लोगों की समस्या यह है कि सत्र 2022-23 से लेकर सत्र अक्टूबर 2024 आज दिनांक तक हम लोगों को मानदेय नहीं दिया गया है। अतिथि शिक्षक साथी हैं और यहाँ पर 4-5 महीनों से परेशान हो रहे हैं, कलेक्ट्रेट में आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और इसका कारण ये है कि पिछले सत्र से और इस सत्र से ना तो वेतन मिला है, मानदेय मिला है और ना ही हम लोगों का जो पोर्टल पे फीडिंग हुई है वो हुआ है। और इसका जहाँ भी जा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, अधिकारी से या अपने संकुल प्राचार्य से, तो वहाँ से किसी मतलब हर किसी से असंतोष कारण वहाँ से मिल रहा है और कुछ कोई भी स्थिति क्लियर नहीं हो रही कि आगे क्या होगा। भिंड के शिक्षा विभाग में घोटाले की आए दिन नई फाइलें खुल रही हैं, वहीं पर अतिथि शिक्षकों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है।